ओम शांति। इस तरह दीदी के विशेषताएं कितना मैं आप सबको बताऊं। दीदी के अंदर परख शक्ति बहुत थी। वो चेहरा देख करके परख जाती थी कि इस समय इसके मन में क्या संकल्प चल रहा है, ये किस स्थिति में है। तो जैसे दीदी स्वतः ही बता देती थी, तो परखने की शक्ति बहुत थी दीदी के अंदर। परखने के साथ साथ निर्णय करने की भी शक्ति थी। दीदी फटाफट निर्णय लेती थी क्या करना है और क्या नहीं करना है, करना है तो क्यों करना और कैसे करना है। तो दीदी को देर नहीं लगती थी, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, और सभी को संतुष्ट करने की विशेषता थी दीदी के अंदर। हर एक को संतुष्ट कर देती थी। ऐसे चलते फिरते फिर एक दिन मुझे लगा कि मैं दीदी के और समीप जाऊं, और समीप जाऊं तो कैसे जाऊं और दीदी के साथ थोड़ा और समय बिताऊं। तो मैंने एक रास्ता ढूंढा और जो अचानक ही मेरे मन में आया, मैंने कहा दीदी मैं आपके सिर में तेल लगाना चाहती हूँ, कुछ और नजदीक होंगे दीदी के। दीदी बोली तुमको तेल लगाने आता है, तू नडरी क्या तेल लगाएगी। मैंने बोला नहीं दीदी, मैं आपको सिर में जरूर तेल लगाएंगी और अच्छा लगाएंगी। कैसे लगाती हो। मैंने कहा दीदी मुझे चंपी मालिश आती है। कहा वो क्या होता है। तो बताया कि फिर सीखा कहाँ से तूने। बताया दीदी सीखा तो नहीं है, देखा है। क्योंकि जब हम लोग लखनऊ में रहते थे, छोटे छोटे थे, तो वहां पर एक पार्क है जिसको झंडे वाला पार्क अमीनाबाद में कहते हैं। शाम को घर से हम लोग बाहर वहीं चले जाते थे, पार्क में खेलते थे, घर में जगह नहीं होती थी, और देखते थे कि वो तेल मालिश वाला हाथ में एक छोटी सी बकसिया लेकर के वैरायटी तेल उसमें रखता था। तो कहता था कि चंपी मालिश करा लो, चंपी मालिश करा लो। तो देखती थी वो चंपी मालिश करता कैसे है। तो दीदी कहती अच्छा मुट्ठी तो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगी। तो मैंने कहा दीदी मुझे बहुत थक, मैं तेल लगाऊ इतना सारा। दीदी जी करती जा रही, मैं जवाब देती जा रही। मैंने कहा दीदी आप एक बार करा के देखो, फिर आपको अच्छा लगे तो मेरे से तेल लगवाना। कहा अच्छा चलो लगाओ। फिर मैंने दीदी के सिर में तेल की जब मालिश की दिन में 2 बजे भोजन के बाद, बहुत अच्छा लगा दीदी को, बहुत अच्छा लगा। बोली अरे तुम जो है ना रोज अब मेरे को भले किया करो, बहुत अच्छा करती हो। तो कहावत है कि अंधा एक आंख मांगे उसको 2 मिल जाए। तो मैं दीदी के नजदीक रहूं इस बहाने तेल लगाना मैंने सोचा। अब दीदी कह रही रोज मुझे तेल लगाना, इतनी मुझे खुशी हुई कि देखो दीदी ने कैसे अपना बना लिया और शुरू कर दिया। आओ मैं दीदी को रोज तेल लगाती रही, रोज लगाती रही। तो ऐसे करते करते 3 मास बीत गया। एक बार दीदी ने कहा कि देखो विद्या सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, सबका सिर दर्द मैं ठीक करती हूँ और मेरा सिर का दर्द तुम ठीक करती हो। अगर तुमको कभी सिर में दर्द हुआ तो कौन ठीक करेगा, तुम्हें कौन मालिश करेगा। मैं छोटी भी थी, इतना दूर तक सोच भी नहीं सकती थी। दीदी एक थोड़ी क्षण के लिए तो रुक गई, मेरा कोई जवाब नहीं हुआ। दीदी ने बहुत प्यार से दिल से दुआएं दी, कहा विद्या तुमको लाइफ में कभी भी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सिर दर्द होगा ही नहीं। इतनी गारंटी से दीदी ने बोला कि कभी भी तुम्हें सिर दर्द नहीं होगा। तो कहते दिल की दुआ खाली नहीं जाती है। इतने प्यार से दीदी ने दुआ दिल से दिया, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बस इतना ही स्वार्थ था कि दीदी के नजदीक जाऊं। और दीदी जो अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं, थोड़ा और मुझे सुनाती रहेंगी और सुनाती रहेंगी, मैं धारण करती रहूंगी। तो इतनी खुशी हुई मुझे और वो दुआ इतनी लग गई दीदी की। प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है कि दीदी को ये दुआ दिए हुए 60 साल हो गया, आज तक मुझे कभी भी सिर में दर्द नहीं हुआ। क्या सर्दी हो, क्या धूप हो, क्या बारिश हो, क्या ओले पड़े सिर पे, सब कुछ हुआ है, लेकिन सिर दर्द क्या होता है मुझे इसका अनुभव नहीं है। कार दुर्घटना 2 बार मेजर हुई है, सब कुछ हड्डियां टूटी, लेकिन सिर में चोट ही नहीं आई जो सिर का दर्द हो। कभी मैंने रुमाल मफलर कुछ भी सिर में नहीं बांधा है, और ना कभी गर्म पानी से सिर की धुलाई की थी। ठंडा कहीं हो, चाहे माउंट आबू हो, चाहे किसी भी पहाड़ी पे हो, कहीं पर भी हो। तो इसको कहते हैं दिल से निकली हुई दुआ सदा काम आती है, दुआएं आगे आगे चलती हैं। तो ये मुझे अनुभव है कि दीदी ने बहुत प्यार से दुआ दी थी।